से पहले तो अली नगर की जनता को आज 26 तारीख है और 2022 का जो ये अंतिम महीना दिसंबर है वो समाप्त हो रहा है, 22 समाप्त होने की स्थिति में है और नए साल 2023 का आगमन हो रहा है। तो नए साल, पुराने साल की समाप्ति और नए साल की आगमन पर अली नगर की तमाम जनता को, सारे जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को मैं अली नगर का एमएलए होने के नाते अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं 90 वर्ष का और बधाई देना चाहता हूं। तो अली नगर में बदलाव है और ये मेला का उद्घाटन भी एक बदलाव का प्रतीक है, आपने जो देखा है। तो ये मेला पहले भी लगता था, हमें जो जानकारी है जो पहले भी लगता था, लेकिन कोई एमएलए, कोई जनप्रतिनिधि इसका उद्घाटन नहीं करते थे। आज अली नगर बदलाव की ओर है तो मैं आके इसका उद्घाटन किया हूँ। मैं यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से भाईचारा सबसे बड़ी बात है, जो भाईचारा लोगों को निभाना चाहिए। जहाँ मेला है तो मेला में भाईचारा का मतलब पूरा पालन होना चाहिए। और प्रशासनिक तौर से मैं मतलब थानेदार से भी बात किया हूँ और सीओ साहब भी हैं, बीडीओ साहब भी हैं। मैं समझता हूँ जो हम और आप, हमारे यहाँ के नागरिक अगर ठीक रहेंगे तो प्रशासनिक लोगों को भी सहूलियत होगी। और सुरक्षा की जहाँ तक सवाल है तो अगल बगल में हेडक्वार्टर में है, प्रशासन के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम समझते हैं जो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो ये सबों के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए है, तो लोग अपना इसका लाभ उठाएंगे। अब बिहार की राजनीति के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, बिहार की राजनीति तो चर्चा हो गई है। अरे बिहार की राजनीति में काफ़ी उफान है, अब हम क्या बतावे। बिहार की राजनीति तो मतलब काफ़ी गर्म है, यहीं स्थानीय मतलब मामला जो है वो बिहार में काफ़ी गर्म है, देश के लेवल पर चर्चा हो रही है। इस पर मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, एक दिन डिबेट रखूँगा और तब मैं बोलूँगा। लेकिन भारत जो है, बिहार जो है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ के नागरिक जीते हैं, रहते हैं, सभी रह सकते हैं और सभी को रहने का अधिकार भी है। कोई बिहार छोड़ के भारत छोड़ कर जाने की जो बात करते हैं वो उनका निर्णय है, ना कि भारत का जो वातावरण है, बिहार का जो वातावरण है, अली नगर का जो वातावरण है, इसमें सबों लोगों को समावेश और रहने में बचते नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरा कहना है जो सबों को रहने का अधिकार है, यहाँ रह सकते हैं सबों लोग, लेकिन जिनका मन नहीं माने, जो हम यहाँ नहीं रहें, उनको मैं क्या कर सकता हूँ। उनको रहना चाहिए और भारत में सबों को रहने का हक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा जो संविधान है और उस संविधान के अनुसार चलना चाहिए, हमारा तो यही है। वैसे इस पर हम बहुत ज़्यादा, आप तो डेली, हाँ डिबेट में जब जाएंगे तब हम बात करेंगे।